वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10। इन दिस पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविंद्रनाथ टैगोर विशेज अ ब्राइट फ्यूचर इन विच इंडिया शुड अवे। रविंद्रनाथ टैगोर एक शानदार भविष्य की कल्पना करते हैं जिसमें भारत को जानना चाहिए। ही सेज इंडिया शुड अवे टू अ फ्यूचर इन विच एवरी ह्यूमन बींग शुड होल्ड हिज हेड हाई ड्यू टू सेल्फ रिस्पेक्ट। वे कहते हैं भारत को ऐसे भविष्य में जाना चाहिए जहां पर हर व्यक्ति अपना सर उठाकर जी सके। नॉलेज मस्ट बी फ्री फॉर ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन। ज्ञान जाति धर्म नस्ल के बिना सबके लिए स्वतंत्र होना चाहिए। वर्ड शुड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। शब्द को सच्चाइयों की गहराई से निकलना चाहिए। द वर्ल्ड शुड नॉट बी ब्रोकन इन टू द डिफरेंट पार्ट्स ड्यू टू द रिलीजियस नैरो माइंडनेस। संसार को धार्मिक कट्टरपंथ के कारण टुकड़ों में नहीं बंटना चाहिए। पीपल इन दिस वर्ल्ड मस्ट ट्राई टू ऑब्टेन द परफेक्शन इन वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शन। यानी कि लोगों को कोशिश करनी चाहिए परफेक्शन यानी पूर्णता प्राप्त करने की। किस चीज में? इन वर्ड्स शब्दों में, थॉट्स विचारों में और एक्शन में यानी कार्य में। रीजन शुड रैन ओवर द ब्लाइंड फेथ सुपरस्टिशन। तर्क का अंधविश्वासों पर साम्राज्य होना चाहिए। गॉड मस्ट डायरेक्ट अफेयर्स ऑफ मैन इन एवरी एरिया ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। भगवान को मनुष्य के हर कार्य में मार्गदर्शन करना चाहिए। थॉट्स एंड एक्शन मस्ट एक्सपेंड। विचार और कार्य बढ़ने चाहिए। इफ दिस ऑल इज देयर, यदि ऐसा सब कुछ है, इंडिया वुड डेफिनेटली बी अ हेवन ऑफ फ्रीडम। भारत निश्चय रूप में स्वतंत्रता का स्वर्ग होगा। द पोएट प्रेज टू गॉड, जो हमारे कवि हैं वो प्रार्थना करते हैं टू लेट इंडिया अवे टू सच फ्रीडम। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत को जगाए ऐसी स्वतंत्रता के लिए। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स क्या है यहाँ पर? दीज आर द वॉल्स ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन एंड लैंग्वेज। ये दीवारें जाति नस्ल धर्म और भाषा की हैं। दे सेपरेट मैन टू मैन, ये इंसानों को एक दूसरे से अलग करते हैं और क्रिएट हेट्रेड अमंग देम और उनके बीच में नफरत पैदा करते हैं। अटेन परफेक्शन, इसका मतलब क्या है? पीपल कैन अटेन परफेक्शन बाय वर्किंग। इंसान संपूर्णता प्राप्त कर सकता है कार्य को करके। दे शुड गेट रिड ऑफ नैरोनेस ऑफ देयर माइंड्स। उन्हें अपने दिमाग के संकीर्णपन यानी छोटेपन से छुटकारा पाना है। द डेड कस्टम्स का मतलब क्या है? आर लाइक ड्राई डेजर्ट, यानी कि सूखे मरुस्थल की तरह है। द पोएट वॉन्ट्स पीपल टू हैव लॉजिकल थॉट्स, और जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि लॉजिकल थॉट यानी कि तर्क वाले विचार रखें। एंड नॉट टू इंडल्ज यूजलेस कस्टम, और बेकार के रीति रिवाजों में ना फंसें। द पोएट सेज नॉलेज एंड रीजन, यानी कि ज्ञान और तर्क आर एसेंशियल टू मेक हिज कंट्री ट्रूली फ्री। यानी कि ज्ञान और तर्क बहुत ज्यादा आवश्यक है टू मेक हिज कंट्री ट्रूली फ्री, उसकी कंट्री को उसके देश को स्वतंत्र बनाने के लिए। दैट्स वाई, इसीलिए ही वॉन्ट्स नॉलेज टू बी फ्री, वे चाहते हैं ज्ञान मुफ्त हो। पीपल शुड बी ट्रूथफुल, लोगों को सत्यवादी होना चाहिए। दे शुड फॉलो द रीजन, उन्हें तर्क का अनुसरण करना चाहिए यानी कि तर्क को फॉलो करना चाहिए।